Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Pranam Devarshi. Pranam Hanuman. Jai Shri Ram. Indradev, ise ek shubh sanyogi samajhiye कि महावीर हनुमान इस समय यहाँ पधारे हैं, इस मंत्र पूरित कारागार से केवल ये ही आपको छुड़ा सकते थे। देवताओं की प्रार्थना तथा ब्रह्मदेव के संकेत पर मैंने ही ने संदेश दिया था कि ये यहाँ आकर यहाँ से आपको छुड़ाएं। हनुमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रदेव, अब आपको तुरंत स्वर्ग लोक के लिए प्रयाण करना चाहिए। रावण और मेघनाथ को पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां और कैसे अदृश्य हो गए। हाँ इंद्रदेव, अब आप तनिक भी विलंब ना कीजिए और तुरंत यहां से प्रस्थान कीजिए। हनुमान, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। नाम श्री राम का, उपकार श्री राम का। बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये क्या हुआ? कहाँ गया वो बंदी? चलो युवराज को सूचना देते हैं। चलो सुलोचना, सुलोचना। क्या हुआ स्वामी? पता नहीं क्यों हमारी ये बाएं आंख फड़क रही है और हमारे ये बाएं आंख भी फड़क रहे हैं। क्यों? ये शुभ लक्षण नहीं होता स्वामी। पुरुषों की बाएं आंख फड़कना किसी आने वाली विपत्ति का संकेत होता है। विपत्ति का संकेत? हाँ। हम किसी विपत्ति की परवाह नहीं करते। हम राक्षस सुलोचना, विपत्तियां हमसे दूर भागती हैं। लंका युवराज तुहाई हो, हमसे किसी ने छल किया है। क्या हुआ, स्पष्ट कहो। हम उस मंत्रित कारागार में पहरा दे रहे थे युवराज। पहरा दे रहे थे, अचानक न जाने क्या हुआ युवराज। इसके आगे क्या हुआ ये बताओ। वो बंदी चला गया युवराज, वो बंदी अब कारागार में नहीं है। क्या कहा? इंद्र हमारे मंत्र पूरित कारागार से भाग गया, लंका नरेश के कारागार से भाग गया और तुम दोनों कुछ ना कर सके। तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मेघनाद, तुम इस समय यहां? लंका में एक अपशगुन हो गया है पिताश्री। अपशगुन? कैसा अपशगुन? पिताश्री, इंद्र कारागार से भाग गया है। क्या पक्के हो? इंद्र को तो तुमने अभिमंत्रित कारागार में राक्षसों के पहरे में रखा था, फिर वो वहां से कैसे भाग निकला? मैं स्वयं चकित हूं पिताश्री। मैंने उन दोनों अयोग्य राक्षस पहरेदारों को मौत की घाट उतार दिया। अब हमें सावधान हो जाना चाहिए पिताश्री। अपनी ही लंका में शत्रुओं को मनमानी करने से नहीं रोक सकते तो फिर सावधानी का अर्थ ही क्या रह जाता है मेघनाथ? तुम अपने बंदी को बांध कर नहीं रख सकते, धिक्कार है हम पर। आपकी ओर से मैं
राक्षसों को अनुशासित करूंगा पिताश्री, शासन को और कठोर बनाऊंगा। वो तो तुम करोगे ही, परंतु साथ ही साथ हम उस मायावी शक्ति का भी पता लगाएंगे जिसकी मदद से इंद्र मंत्र पूरित कारागार से भाग निकला। मायावी की इस करतूत का उत्तर हमें माया से ही देना होगा पिताश्री, और आपकी मायावी शक्ति किसी से कम नहीं है। हम यज्ञ करेंगे और देखेंगे कि हमारे कारागार से इंद्र को किसने निकाला। ये बात तो निश्चित है कि उसमें स्वयं में भागने की इतनी शक्ति नहीं थी, हमने तो उसे मंत्रों से कील कर दिया था। मेघनाथ, ये कार्य किसी और का है। पिताश्री, यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी आपके साथ यज्ञ करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। जय शिव शंकर। हाँ, जय श्री राम। और वो भी यहाँ लंका में। आश्चर्य है। श्री राम, जय शिव शंकर, जय श्री राम, जय शिव शंकर। शिव शंकर, आपका आदेश है कि मैं श्री राम की भक्ति करूं। आपके साथ साथ श्री राम का भी स्मरण करूं। प्रतिदिन मैं इसी नियम का पालन कर रहा हूं भोले शंकर। नहीं, नहीं। श्री राम। इस राम भक्त के सामने इस रूप में जाना उचित नहीं है हनुमान। तुम्हें अपना रूप बदलना होगा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय शिव शंकर। प्रणाम। आप कौन है महापुरुष? इस लंका नगरी में मैंने आप जैसे ब्राह्मण को पहले कभी नहीं देखा। कृपा पधारिए। आप सत्य कह रहे हैं, हम इस लंका नगरी में पहली बार ही आए हैं। अपना परिचय दीजिए ब्राह्मण देवता। विभीषण जी, आप राक्षस होते हुए भी श्री राम का नाम ले रहे हैं, परंतु आप मुझे कैसे पहचानते हैं ब्राह्मण देवता? विभीषण जी, आपका और मेरा नाता तो बहुत पुराना है। याद कीजिए रावण की वो तपस्थली जहां आप और कुंभकर्ण रावण के साथ तपस्या कर रहे थे। ब्राह्मण देवता, प्रणाम। ब्राह्मण देवता। अखंड सौभाग्यवती भव। विभीषण जी, लंकापति रावण के छोटे भाई होते हुए भी आप राक्षस जैसे नहीं लगते, क्योंकि आपके हृदय में छुपी धर्म की भावना ने आपका रूप बदल दिया है। जय श्री राम, जय शिव शंकर। आप जैसे पवित्र आत्मा के दर्शन करके मुझ जैसा पतित राक्षस भी अब पावन हो गया है द्विजश्रेष्ठ। कृपया अपना असली परिचय दीजिए। जय श्री राम। विभीषण जी, अब पहचाना मुझे? हाँ देववानर, ऐसा लगता है इससे पहले मैं आपसे कहीं मिल चुका हूं। ब्रह्मदेव,
अब मैं छठी बार अपनी गर्दन आपको समर्पित करता हूँ। किसने हमारी तपस्या में विघ्न डाला? शूर्पनखा, कौन हमें सताने का साहस कर रहा है? विभीषण, कुंभकर्ण, जाओ उसे तुरंत ढूंढ कर हमारे सामने लाओ। कौन है, कौन है हमारा शत्रु? सामने आओ। हाँ, याद आया, बचपन में आपने भैया रावण की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। हाँ विभीषण जी, मैंने रावण की तपस्या भंग करने की चेष्टा की थी, परंतु वो तो ब्रह्मदेव का वरदान पाकर ही रहा। किंतु इस समय मैं श्री राम का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। आप श्री राम के दूत बनकर पधारे हैं कपिवर? तपस्या के समय आपका नाम जानने का अवसर नहीं मिला था, कृपया अपना नाम बताइए कपिश्रेष्ठ। श्री राम का भक्त हनुमान, यही है मेरा नाम और यही है मेरा परिचय। परंतु मेरे यहां आने का उद्देश्य श्री राम की संगिनी माता सीता का पता लगाना है। क्या हुआ, माता सीता का नाम सुनकर आप दोनों इतने उदास क्यों हो गए? हनुमान, रावण के इस कृत्य से हम ही नहीं, भैया कुंभकर्ण और भाभी मंदोदरी भी दुखी हैं। हनुमान जी, जब इन्होंने लंकेश्वर रावण से देवी सीता को छोड़ देने का अनुरोध किया तो उन्होंने इन्हें अपने ही घर में बंदी बनाकर रख दिया। इस समय मैं रावण का बंदी तो नहीं हूं हनुमान, परंतु भैया कुंभकर्ण का अनुरोध मैं टाल न सका और मुझे फिर से रावण की राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ा। विभीषण जी, कृपया करके मुझे माता सीता का पता बताइए, मैं उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हूं। मैं रात भर उनकी खोज में जगह जगह भटकता रहा। देवी सीता लंका के अशोक वाटिका में है हनुमान, परंतु भैया रावण ने उस वाटिका के चारों ओर राक्षस सैनिकों का कठोर पहरा लगा दिया है। उन तक पहुंचना संभव नहीं तो कठिन अवश्य है। असंभव को संभव कर दिखाना मेरा काम है। आप केवल मुझे इतना बताइए कि अशोक वाटिका है किस ओर? लंका के राज सदन के समीप ही है अशोक वाटिका, और उस वाटिका के बीचों बीच एक वटवृक्ष है, परंतु वो वृक्ष भी देवी सीता के शोक को दूर करने में असमर्थ है। अपने प्रभु के वियोग में रात दिन आंसू बहाने वाली वो देवी जब से लंका आई है अन्न जल ग्रहण नहीं किया, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर एक तेज है। मुझे तो लगता है ये उनके सतीत्व का तेज है। विभीषण जी, आपने माता सीता के दर्शन किए? हाँ हनुमान जी, जब मेरे स्वामी अशोक वाटिका में देवी सीता को सांत्वना देने गए थे तभी लंकेश वहां पहुंचे और क्रोधित होकर इन्हें बंदी बनाने का आदेश दे दिया। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं विभीषण जी, आपने माता सीता के दर्शन करके अपना जीवन धन्य कर लिया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा मन माता सीता के दर्शनों के लिए अधीर हो रहा है। आप उन भीषण राक्षस सैनिकों से दृष्टि बचा कर जाइएगा हनुमान जी, अन्यथा वो आपके मार्ग में बाधा पहुंचा सकते हैं। विभीषण जी, जब श्री राम का नाम और भक्ति की शक्ति मेरे साथ है तो बाधा कैसी? अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम।
स्वामी स्वामी, आपने लक्ष्मण भैया को कहां भेज दिया है इस समय? सीते, लक्ष्मण प्रतिदिन के भांति वन से फल फूल और यज्ञ के लिए समिधान लेने गया है। स्वामी, आपने अभी सुना राक्षसों का अट्टहास? सीते, तुम लक्ष्मण की चिंता ना करो, वो राक्षसों से भली भांति निपटना जानता है। स्वामी, इस वन में पग पग पर राक्षसों का वास है। आपके हाथों मारे गए खरदूषण की आत्माएं अब भी इस वन में मंडरा रही हैं। आपको अकेले लक्ष्मण भैया को नहीं भेजना चाहिए था। भैया, मुझे बचाइए भैया। मैं ना कहती थी, इस वन में हत्यारे राक्षसों का वास है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच क्या रहे हैं स्वामी? चाहिए बचाइए लक्ष्मण भैया को। मुझे बचाइए भैया। हम आ गए हैं सीते। हमने अपनी मायावी शक्ति से राक्षसों को उत्पन्न करके राम लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा दिया है। नहीं, क्या हुआ जनक नंदिनी, क्या हुआ? आप अचानक नींद से क्यों जाग उठी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, छोड़ दे मुझे दुष्ट रावण। स्वामी मुझे बचाइए स्वामी। सीते, कहाँ हो तुम? सीते, कहाँ हो तुम? भैया, क्या हुआ भैया? विचारों के भ्रम ने स्वप्न बनकर मुझे जगा दिया लक्ष्मण। जाओ, तुम सो जाओ। आप जागते रहें और मैं सो जाऊं, भला ये कैसे संभव है? भैया, आपने क्या स्वप्न देखा? आपने बताया नहीं भैया। सीता मेरे वियोग में तड़प रही होगी लक्ष्मण। जितना सीता भाभी आपके वियोग में वहां तड़प रही होंगी, उससे कहीं अधिक आप यहां पे तड़प रहे हैं। मैं आपका यह दुख नहीं देख सकता भैया, नहीं देख सकता। यूं मन छोटा ना करो लक्ष्मण, जो भाग्य में लिखा है वो तो भोग नहीं पड़ेगा। जब तक सीता से मिलन नहीं हो जाता, तब तक ये वियोग तो बना ही रहेगा। मुझे भी अपने आप पर संयम रखना होगा। मेरी तनिक सी चिंता तुम्हें कितना अधिक व्यथित कर देती है। भूल जाओ उस बात को, आओ अब सो जाए। आप सो जाइए भैया, मुझे अब नींद नहीं आएगी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के भाग्य में विधाता इतना भयानक दुख कैसे लिख सकता है। आपने तो सदा ही सबका हित किया है भैया, सदा ही सबकी भलाई की है, फिर विधाता आपके प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए भैया। हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता लक्ष्मण, कुछ प्रश्नों को प्रश्न ही रहने दो, समय आने पर उनका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। देवराज इंद्र की जय हो। स्वामी, आपके बिना इंद्रलोक बड़ा सूना सूना लग रहा था। देवराज, आपको यहां देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पवन देव, हम आपके ऋणी हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। किस बात का धन्यवाद देवराज?
मैं कुछ समझा नहीं। हमने सोचा था रावण और मेघनाथ की लंका से हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। जिस मेघनाथ ने स्वर्गाधिपति इंद्र की शक्ति को मात देकर उसे बंदी बनाकर रख दिया, जो देखते ही देखते मेघनाथ से इंद्रजीत बन गया, वो क्या कभी हमें मुक्त होने देता? तो फिर आप वहां से मुक्त कैसे हुए देवराज? आपके पालित पुत्र महावीर हनुमान ने मेघनाथ की अभिमंत्रित कारागार से हमें मुक्त कराया। इस कार्य में देवर्षि नारद ने भी सहयोग दिया। अर्थात राम के दूत बनकर हनुमान लंका पहुंच ही गए। हाँ पवनदेव, अब रावण अधिक समय तक सीता को बंदनी बनाकर नहीं रख सकेगा। हनुमान उन्हें भी अवश्य छुड़ा लेंगे। राम की आज्ञा के बिना हनुमान कुछ नहीं करेंगे देवराज। और फिर रावण अपने इस घृणित कार्य के परिणाम से कैसे बच सकता है? राम रावण का अवश्य दंडित करेंगे। हो सकता है कि आपका अनुमान सही हो, परंतु यह निश्चित है कि हनुमान का कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब रावण की कुशल नहीं है। ये वार किसने किया मुझ पर? तुमने? नहीं, मैंने नहीं किया। झूठ बोलता है। जय श्री राम। शुक्राचार्य प्रकट हो, दैत्य गुरु 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 शुक्राचार्य प्रकट हो। लंकेश्वर की जय। 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 लंकेश्वर की जय हो। लंकेश्वर, लंका में अनर्थ होने जा रहा है। राक्षस आपस में लड़कर मर रहे हैं। चुप रहो।
रावण के होते हुए लंका में गृह युद्ध कभी नहीं हो सकता। फिर ऐसी अशुभ बात मुंह से निकाली तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। देख नहीं रहे हो कि हम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं? इसी समय यहाँ से वापस जाओ और जाकर सारी लंका में यह घोषणा कर दो कि सारे राक्षस अपने अपने शिविर में वापस लौट जाए, और यदि एक भी राक्षस बाहर दिखाई दिया तो लंकापति उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसी समय लंका में शांति स्थापित करो, जाओ। जो आज्ञा महाराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए गुरुदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो। 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 सीता रात भर नहीं सोई, सारी रात उसने रोते रोते आंखों में ही काट दी। तो हम क्या करें, वो स्वयं तो सोती नहीं और हमें भी सोने नहीं देती। हमें सोने के लिए नहीं रखा गया है, हम उनकी रक्षा के लिए नियुक्त हैं। त्रिजटा, तुम सीता का बहुत पक्षपात करने लगी हो। हमारे होते हुए इस अशोक वाटिका से भला सीता को कौन उठा कर ले जाएगा? यदि तुम्हारा यही विचार है तो तुम रात में भी सोती रहो और दिन में भी। मैं तो लंकापति के आदेशानुसार सीता की रक्षा का भार उठाऊंगी। बढ़िया ही भार उठाने वाली। चलो। जय श्री राम। प्रभु श्री राम, आपकी कृपा से मैंने माता पिता का पता पा ही लिया। देवी सीता, अब शोक छोड़ो। लंकापति रावण ने आपके लिए वस्त्र भेजे हैं, इन्हें धारण कीजिए। ले जाओ उसे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो। 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 दैत्य गुरु, क्या आप हमसे रुष्ट है? यदि रुष्ट है तो बताइए आपके रोष का कारण क्या है, बताइए हमारा अपराध क्या है। आप हमारा आह्वान सुन रहे ना दैत्य गुरु? गुरुदेव, कृपा करके प्रकट होइए। इस समय लंकापति को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मुझ पर दया करें गुरुदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो। आपका कल्याण हो। आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं है, कौन है आप? मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का दूत मंत्र पुरुष हूं और आपके आह्वान का उत्तर देने यहां आया हूं। आप धन्य है मंत्र पुरुष, परंतु यह तो बताइए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वयं प्रकट क्यों नहीं हुए? गुरु शुक्राचार्य अब लंका में कभी प्रकट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे प्रकट?
क्योंकि आपने सती सीता का अपहरण कर उसे बंदनी बनाकर राक्षसी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्र पुरुष? लंकापति ने सीता का अपहरण किया है, राम लक्ष्मण द्वारा असुरों के संघात और दैत्य भगिनी शूर्पनखा के साथ हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेने के लिए। मैं वही बता सकता हूं मेघनाथ जो दैत्य गुरु ने मुझसे कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आप सती सीता पर अत्याचार समाप्त कर उन्हें प्रसन्न कर लें तो वो आपको दर्शन दे सकते हैं। लंका युवराज मेघनाथ, दैत्य गुरु आपके पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हैं, परंतु उन्हें इस बात का दुख है कि इंद्र आपके कारागार से मुक्त हो गया है, इसलिए उन्होंने आपको स्मरण करवाया है कि आपकी तपस्या से प्राप्त ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने का समय आ गया है। आपका कल्याण हो। मेघनाथ, मंत्र पुरुष ने जिस ब्रह्मास्त्र का स्मरण कराया वो कहाँ है? तुमने कभी उसकी चर्चा हमसे नहीं की। इतनी बड़ी शक्ति की चर्चा ना करके तुमने अच्छा नहीं किया मेघनाथ। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं पिताश्री। मैं उसी समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा जब उसका प्रयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। देवी सीता, आप लंकापति का आदेश स्वीकार कर लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। त्रिजटा, ये श्री राम का स्वर कहाँ से आ रहा है? देवी, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, कहीं ये स्वर पवन के साथ उड़कर तो नहीं आया? जय श्री राम, जय श्री राम। लंकापति रावण पधार रहे हैं। लंकापति रावण, हमारी सम्माननीय अतिथि सीता, हम कुछ निवेदन लेकर आए हैं, क्या हमारे निवेदन पर ध्यान नहीं दोगी? कुछ तो कहो सीता। सीता, ये उद्गार हमारे हृदय से निकले हैं, इन्हें तुम्हारा उत्तर चाहिए। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। हम तुम्हारे रोष का कारण जानते हैं सीते। हम ये भी जानते हैं कि तुम हमारा निवेदन सरलता से स्वीकार नहीं करोगी, परंतु हम हार मानने वालों में से नहीं है। एक न एक दिन तुम्हें हमारी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रार्थना? तुम्हारा गौरव और अभिमान कहाँ खो गए रावण, जो तुम अपनी बंदनी से प्रार्थना करने पर विवश हो गए? अपना अभिमान, अपना गौरव हम लंका की राजसभा में छोड़ा है सीते। आज हम तुम्हारे सामने एक याचक बनकर आए हैं। याचक बनकर ही तुमने छल से मेरा अपहरण किया था। तुम्हारे हर कपट से मैं परिचित हूं। यदि तुम में तनिक भी लज्जा शेष है तो ये नाटक बंद करो और चले जाओ यहां से। तुम्हारे हर प्रश्न के लिए मेरे पास एक ही उत्तर है, नहीं। तुम्हारे ये वचन बाण हमें पुष्प बाण की तरह प्रिय है। तुम्हारा हमें इस तरह प्रताड़ित करना हमारे अंदर तुम्हें पाने के लिए उत्साह जगाता है सीते। रावण, क्या तुम निर्लज्जता की सारी सीमाएं लांघ चुके हो? अब तो मेरे अपशब्दों का भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं होता। लंकापति एक दीनहीन याचक बनकर अपनी ही बंदनी से कृपा दृष्टि की भिक्षा मांग रहा है, धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर। हम तुम्हारे इस वचन बाण का आदर सहित सत्कार करेंगे सीते, यदि तुम हमारा निवेदन स्वीकार करोगी
तो हम अपना मुकुट भी तुम्हारे चरणों में रखने के लिए तैयार हैं। कदापि नहीं। सूर्य पूर्व के बदले पश्चिम से उदित हो सकता है, अग्नि शीतल हो सकती है, परंतु सीता अपने धर्म से कभी नहीं डिगेगी। जाओ रावण, व्यर्थ की बातें करके अपना समय नष्ट न करो। ठीक है, हम जा रहे हैं सीते। हम तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं, हमारे निवेदन को स्वीकार कर लो और उस असमर्थ राम को भूल जाओ जो किसी भी समय रावण के हाथों मसल दिया जाएगा। त्रिजटा। आज्ञा लंकेश्वर। सीता की हर सुविधा का ध्यान रखा जाए, उसे पटरानी जैसा सम्मान दिया जाए और उसे प्रसन्न करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। जो आज्ञा सुरराज, मैं हर प्रकार से देवी सीता को प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगी। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम हमें भी प्रसन्न करोगी।